पहुंच चुके हैं हमारे दूसरे पूजा की तरफ, वो है अजय संगति। और ये एकदम सारे जो पूजा है मैं अभी देखने वाला हूँ वो सब हरिदेवपुर में है, तो एकदम साइड बाय साइड है, तो आप लोग किसी एक जगह से स्टार्ट करके सारे जो पूजा है वो कवर कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं मेन गेट से, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और आपको दिखा दें फिर से। दोस्तों हम लोग थर्ड पूजा की तरफ आ चुके हैं, दिस इज विवेकानंद पार्क एथलेटिक क्लब, और एकदम अजय संगति आप अगर देख रहे हैं उसके पास में ही है, तो जस्ट 1 मिनट भी नहीं है वॉक है, तो ये भी बहुत ही सुंदर है। और खाना तो बनता ही है, आप लोग मेरे फैमिली में है। और कोलकाता का पूजा ये बहुत ही, सारे जो पूजा है सब अपने अपने आप में बहुत ही स्पेशल पूजा है, तो कोई भी पूजा को हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, सारे पूजा है बहुत ही अच्छा। और यहाँ के जो सारे पंडाल है, जो थीम है वो भी बहुत बहुत सुंदर है। दोस्तों विवेकानंद एथलेटिक क्लब जो है और बहुत ही सुंदर एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे ये लोगों ने काम किया है, तो वो है परसेप्शन, जो बंगाली में बोलूँ दृष्टिकोण, तो आप लोग कोई भी चीज़ को कैसे देखते हैं वो डिफाइन करता है, तो बहुत ही सुंदर बना। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लिप डालूंगा, वो देखिएगा डेफिनेटली, तो आपको मालूम चलेगा ये जो थीम है वो कैसे ये लोगों ने बनाया है, क्योंकि सामने मैं आप लोगों को जो दिखाऊंगा वो पूरा कंप्लीट नहीं, एक्चुअल व्यू जो है वो आपको उस क्लिप से मालूम चलेगा, तो डेफिनेटली यू विल लाइक इट के जो कॉन्सेप्ट है बहुत बहुत ही सही है। धीमे धीमे पाए हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे 4 नंबर जो पूजा है उसकी तरफ, वो है 41 पोली क्लब, और हरिदेवपुर का ये है लास्ट पूजा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे दूसरे जगह, कौन सा जगह रहेगा वो आपको मालूम चल जाएगा। तो ज़्यादा बक बक ना करते हुए ये जो 41 पोली क्लब है आप उसका मजा लीजिए। फिर से हम लोग बोलता था वन ऑफ द वेरी फेमस पूजा की तरफ आ चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी देख सकते हो पर इतना भीड़ ढकेल ढकेल के हम लोग पहुँचे यहाँ पे, और अभी सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम, इसलिए थोड़ा बहुत अभी रश कम है। मेरी भांजी का शक्ल देख सकते हैं क्लोजअप शॉट में, एकदम पसीने से पानी पानी हो चुके हैं हम सब, क्योंकि अभी का दोपहर का टाइम, इससे भीड़ थोड़ा कंपेरेटिवली कम है, अगर आप जितना रात की तरफ आएंगे या शाम की तरफ आएंगे तो ये जो भीड़ है ये बहुत ही बढ़ता जाएगा। और ये जो है देशोप्रिय पार्क का मोड़, ये बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, नॉर्मल टाइम में रहता है, तभी पूजा का टाइम है तो और भी ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका है, तो ये सब चीज़
दिमाग में रख के आप लोग आएगा। सुबह के टाइम में आएंगे तो आप लोगों को भीड़ कम मिलेगा, बट लाइटिंग जो है आप वो मिस कर जाएंगे। रात के टाइम में आ रहे तो आपको ये जो अभी क्राउड देख रहे हो वो दुगना हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखना अगर कोलकाता में आप लोग पैंडल हॉपिंग करने आ रहे हैं। और साउथ का टाइम आज षष्ठी है, फिर भी लोगों का भीड़ बहुत ही है। ये जो भीड़ देख ले, ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सब सप्तमी अष्टमी नवमी इस टाइम भीड़ जो है बहुत ही बढ़ता है। तो ऐसा ही है कोलकाता पूजा, मस्ती आता है। ये भीड़ भी एक इंटीग्रल पार्ट है पूजा का। तो अगर आप लोग भीड़ को सह सकते, गर्मी सह सकते, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय कोलकाता पूजा। कोलकाता सनादर पूजा श्रीधारा सम्मेलन, आप जो देख रहे हैं ये कोलकाता का बहुत ही कम भीड़ है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा भीड़ होता है जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था। तो जितना दूर देख रहे हैं भीड़ ही भीड़ है, एकदम हम लोग मस्त देख सकते हैं, एकदम स्लाइस होके सबका मेकअप एकदम जिसको बोलते हैं एकदम वॉश हो चुका है। तो ऐसे भी ना हम लोग खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कब हम लोग पंडाल तक पहुँचे। और आप लोग के लिए थोड़ा सा उसका मैं झलक दिखाऊं, बहुत दूर है अपना मंजिल। तो देख सकते क्राउड का मजा, जैसे जैसे लाइन छोड़ा गया वैसे ही एकदम क्राउड के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे धक्का मुक्की करते करते पंडाल देखना, ये है कोलकाता ट्रेडिशन। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग को ऐसे मिलने वाला है। कोलकाता और एक पूजा मंडप की तरह हम लोग आ चुके हैं, देख सकते इतने बड़े पीछे लाइटिंग के तरफ हिंदुस्तान क्लब गोड़ियाहाट का 60 इयर्स उसका कंप्लीट हो चुका है। एकदम मस्त लाइटिंग है चारों तरफ और शाम का टाइम ऑलमोस्ट 4:30 हो चुका है, भीड़ भी बढ़ रहा है और मस्ती मजाक भी बढ़ रहा है हम लोगों का। तो ये देखेंगे यहाँ पे और 3-4 यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे पूजा मंडप है, वो देखेंगे आप लोगों को भी दिखाएंगे। और गर्मी से हालत ख़राब है, तो अगर आप लोग आ रहे थे पानी का बॉटल ज़रूर कैरी कीजिए, इट्स नॉर्मल थिंग, क्योंकि प्यास बहुत ही लगने वाला है इतना ह्यूमिड कंडीशन में। तो ज़्यादा लेट ना करते, चलते अंदर और आप लोगों के साथ ये जो पूजा मंडप है वो शेयर करते। सारे जगह पे लाइट एकदम ऑन हो चुका है, एकदम जो कोलकाता है एकदम सज चुका है रोशनियों से, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और चारों तरफ गाना हो रहा है, मेरे को डर लग रहा है कहीं कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, क्योंकि बहुत से वीडियो में कॉपीराइट क्लेम है और बहुत जगह पे अभी जो है आने वाला होगा शायद ये सब वीडियो के द्वारा। तो ये जो है हम लोग अभी शिंगी पार्क में, भीड़ बहुत ही बढ़ चुका है रात का टाइम है, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और भीड़ बढ़ता जाएगा और लोग भी आते रहेंगे। ऐसे ही है अपना कोलकाता का शहर और कोलकाता की ये पूजा। तो ज़्यादा लेट ना करते, दिखाते हैं आप लोग को वन ऑफ द आइकॉनिक ठाकुर इन द कोलकाता, दैट इज शिंगी पार्क।
पूजा है, पानी पूरी अगर नहीं खा रहे तो मज़ा नहीं आता है। और कोलकाते की पानी पूरी वो हो। चीयर्स। पूजा है, पानी पूरी खाना बनता है। आप लोग भी है कोलकाता, बहुत प्लेंटर स्ट्रीट फूड्स हैं वो सर ट्राई करो। उसमें से टॉप लिस्ट पे आता है पानी पूरी, जो हमारे यहाँ पे फुचका बोला जाता है, तो वो खाना ज़रूरी है। हम लोग के बाद हम लोग खा रहे हैं तो ज़्यादा लेट ना करते खाते हैं, और आप लोग भी मज़े कीजिए, फिर मिलते हैं। जा रहे और एक लास्ट वाला आइकॉनिक हमारा जो पंडाल है वो देखने के लिए, दैट इज़ एक डाली एवरग्रीन। हो चुका है अपना टाइम, क्योंकि आज शायद ये अपना जो है शशि का लास्ट पूजा रहेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ही बढ़ चुका है। और लगभग यहाँ का जो भी हमें पूजा पंडाल हमें देखना था वो हमने लगभग ऑल कवर कर लिया है, और आप लोगों के लिए भी वीडियो तैयार है। बट शायद ये जो वीडियो है आप लोग एग्जैक्टली षष्ठी के दिन नहीं देख पाएंगे, मे भी पूजा के बाद ये सब जो वीडियो मैं ला पाऊँगा, क्योंकि बहुत ही हेक्टिक हो जाते हैं। इतना पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद फाइनली जब घर पे पहुँचते तो एनर्जी नहीं रहता और एडिटिंग में टाइम लगता है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट डे का प्लान रहता है। तो मेरा जो पूजा प्लान है वो पूरा हर दिन का है, और दोस्तों के साथ भी निकलना है, क्योंकि 3 साल के बाद पूजा मना रहा हो तो समझ सकते हैं एकदम फुल एक एक दिन मेरे को इन्जॉय करना है। तो ये वाला जो लास्ट है बहुत ही सुंदर पंडाल है, आप लोग डेफिनेटली इन्जॉय करेंगे इसको। दोस्तों फाइनली वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं, षष्ठी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, और आप लोगों के साथ ही बहुत ही मज़ा आया ये जो षष्ठी है वो स्पेंड करने में। और मेरे साथ मेरी दो भांजी है, एक मेरे साथ ही एकदम फुल ऑन उसका जो बैटरी है वो ड्रेन हो चुका है, और एक जो भांजी उसका बैटरी सेवर ऑन होके भी ख़त्म हो चुका है, जस्ट एकदम इमरजेंसी पावर सोर्स वो चल रही है। एग्जैक्टली जितना अंदर पावर था वो सब ख़त्म हो चुका है, जितना एनर्जी था वो सब उसने ड्रेन कर लिया है वो। बट ऐसा ही होता है पूजा में, हम लोग जब निकलते हैं तो जितना मस्ती मजाक करना रहता है एक साथ हम लोग करते हैं, तो इसलिए हम लोग बहुत बहुत ही थक जाते हैं। आप लोगों ने वीडियो में देखा इतने जो वीडियोज़ हैं वो आपको देखने को मिला, तो अगर वीडियो यहाँ तक देख लेते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वो रेड कलर का जो बटन है वो दबा दीजिए, और घंटी दबाना मत भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अपना ध्यान रखिए, पूजा अच्छे से स्पेंड कीजिए।